तुजाना रियासत की धरोहरों में से एक और है ये लाल मस्जिद। ऐसा मानते हैं लोग कि इसे बनवाने का जो काम है वो तो खुर्शीद अली खान ने शुरू किया था, लेकिन इसे बनवाकर पूरा किया उनके बेटे इख्तदार अली खान ने। दोस्तों लोग बताते हैं कि उस समय आसपास की बड़ी बड़ी रियासतों में भी इस तरीके की मस्जिद मौजूद नहीं थी जैसी मस्जिद तुजाना में उस समय ये थी। अभी भी इस मस्जिद में लोग जो नमाज हैं वो पढ़ने आते हैं और इसे संभाला गया है। दोस्तों दुजाना रियासत में एक और मस्जिद हुआ करती थी जिसे काजी की मस्जिद कहते थे। ये मस्जिद छोटी ईंटें, काला और सफ़ेद संगमरमर और चूना पत्थर का बेजोड़ नमूना है। आज दुजाना गांव के आखिरी छोर पर ये जो मस्जिद है वो मौजूद है। ऐसा बताते हैं कि इसमें जो काजी साहब थे वो और उनकी जो उनका जो परिवार था उसकी कब्र आज भी मौजूद है। इस मस्जिद की दोनों तरफ बड़ी बड़ी मीनारें हुआ करती थी। एक मीनार उस तरफ है जो अब टूट चुकी है और ये दूसरी इस तरफ मीनार है जिसके अंदर सीढ़ियां हैं और ये जो रास्ते हैं ये तहखानों में नीचे उतरते हैं। मस्जिद में काजी साहब और उसके परिवार की जो कब्र हैं वो मौजूद हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर काजी साहब की कब्र मज़ार मौजूद है, आप अगर देख पाएँ, और इसी में जो नीचे जाने का रास्ता है उसमें असलियत में जो कब्र होती है वो मौजूद है जहाँ जो शरीर है उसे दफनाया जाता था। आपने ऐसा ताजमहल में भी देखा होगा कि ऊपर दिखाने के लिए अलग कब्र होती है और नीचे जो असली मज़ार होती है वो अलग होती है। दोस्तों इस मस्जिद के पीछे की तरफ अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुआं बताते हैं, पहले कुआं हुआ करता था। और अगर तहखाना मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये रास्ते हैं, पहले ये काफ़ी नीचे हुआ करती थी, अब तो इस पे सीढ़ियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। ये तहखाने हैं, तहखाने के रोशनदान के तौर पर ये इस्तेमाल हुए होंगे। अब तो आगे से जो मीनार थी उसके अंदर से भी आप इन रस्तों में उतर सकते हैं, ये तहखानों का रास्ता है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दो कब्र मौजूद हैं, ये काजी साहब के परिवार के ही सदस्यों की जो कब्र हैं वो बनाई गई है।